Hello student, in this video we will discuss on the next topic, that is the Hopman rule. Okay, so let's see about the Hopman rule. It states that charged substrates, that is quaternary ammonium salts, yield predominantly the least substituted one. Okay, yeah, Hopman rule क्या कहता है, जो चार्ज सब्सट्रेट है जैसे क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो है वो लीस्ट सब्सटीट्यूटेड रहते हैं. लेट वी फर्स्ट एग्जामाइन द मैकेनिज्म ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग दिस कंपाउंड एंड अल्किन एंड द टर्शियरी बेस. ओके, देखो ये जो है रिएक्शन यहाँ पे दी है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि यदि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं. ठीक है, दिस इज क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो इसको हीटिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, अल्किनेर टर्शरी बेस मिलता है. ठीक है, ये CH3CH2N CH3CH2CH2CH3CH3OH. ओके, इसको हीटिंग किया तो हमें क्या मिला, अल्किन मिला, और क्या मिला, टर्शरी बेस मिला और वाटर मॉलिक्यूल मिला. ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि इन दिस केस द हाइड्रोक्साइड आयन ऑब्स्टेकल फ्रॉम द बीटा कार्बन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द एक्सपल्शन ऑफ द टर्शियरी अमाइन. देखो जब हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो बीटा कार्बन से, एंड उसके वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड. ओके, एंड द एक्सपल्शन ऑफ टर्शरी अमाइन, और क्या मिलता है, एक्सपल्शन ऑफ द टर्शरी अमाइन मिलता है. ठीक है, देखो ये रिएक्शन है CH CH bond CH NR3 and HH. यहाँ पे OH यहाँ पे अटैच किया और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया और उसको क्या किया, हिट किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस R3N प्लस H2O. ओके, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज सल्फोनियम सॉल्ट प्रिफरेबली यील्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स. देखो जब हम ये रिएक्शन के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्ट्स एज हाइड्रोक्साइड एज वेल एज द सल्फोनियम सॉल्ट, और सल्फोनियम जो सॉल्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स हमें मिल देते हैं. ठीक है, ये रिएक्शन है CH3CH2 bond and CH2CH3CH2CH2CH3, और यहाँ पे N से बॉन्ड है CH2CH2CH3. इसको यदि हम हीटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 95% अल्किन मिलता है CH2CH2 CH2 double bond CH2 plus CH3CH double bond CH3 4% मिलता है. इनगोल्ड हैज ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्किल ग्रुप विच रन्स एज फॉलोज. जो साइंटिस्ट इनगोल्ड थे, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, एक एक्सप्लेनेशन दिया था इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्किल ग्रुप का. ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग लिविंग ग्रुप अ पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन ऑल द सराउंडिंग एटम. देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग लिविंग ग्रुप जो होता है, अ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ऑल द सराउंडिंग एटम, उसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है उसके सराउंडिंग वाले सभी एटम से, और उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द लूजनिंग ऑफ द बीटा प्रोटॉन. बीटा प्रोटॉन के क्या होता है, लूजनिंग होता है, विच इज इजिली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द बेस. वो क्या, कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बेस, दस कॉजिंग ऑन E2 रिएक्शन. ठीक है, हाउएवर इफ एन अल्किल ग्रुप इज अटैच टू द बीटा कार्बन, यदि अल्किल ग्रुप जो है वो बीटा कार्बन को अटैच होता है, इट टेंड्स टू न्यूट्रलाइज द इंड्यूस्ड पोजिशन. वो क्या करता है, इंड्यूस्ड पोजिशन को न्यूट्रलाइज करता है. ठीक है,
इन दिस पोजिशन चार्ज बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, और उसको क्या करता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से चार्ज करता है. द बेसिनिंग ऑफ द बीटा प्रोटोन इज देन सम वॉट अरेस्टेड एंड हियर द रिएक्शन इनहिबिटेड, और उसकी वजह से क्या होता है जो बीटा प्रोटोन है वो क्या होता है अरेस्ट होता है रिएक्शन में और इनहिबिट होता है. इट फॉलोज दैट द सॉल्ट हैज इथिल एज वेल एज द प्रोपिल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन. उसके वजह से क्या होता है जो एन प्रोपिल ग्रुप जो अटैच रहता है पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन को, देन एन प्रोपिल ग्रुप विल शो द रिलेटिवली लिटिल टेंडिंग टू द लेस ऑफ द प्रोटोन लॉस ऑफ द हाइड्रोजन. उसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन लॉस होता है. तो इसमें इसमें देखो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में CH3, लुक एट दिस रिएक्शन CH3CH CH3 bond H. एन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 bond H और H, और यहाँ पे OH का अटैक किया है. ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो हमें क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2 and CH3 CH2 plus. यहाँ पे ये अल्किन CH2 double bond CH2 और H2 मिलेगा. फॉर सम ऑफ रीजन एन आइसोब्यूटिल ग्रुप शो स्टिल लेस टेंडेंसी टू लूज अ प्रोटोन If either on an N-propyl or an ethyl group is available in the molecule. जब isobutyl group रहता है तब उसमें less tendency रहती है proton loss करने की, यदि उसमें N-propyl और ethyl group molecule में available रहता है या present रहता है. This is all about the Hoffman rule. Thank you.